मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आज exhibits.com और अरुण श्रीकांत मिश्रा द्वारा श्रृंगार और आध्यात्म से जुड़े हुए प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। विशेष तौर पे आध्यात्मिक चीजों को यहाँ पर लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया है। आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ साथ श्रृंगार से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए कई प्रकार के वैरायटीज इस स्टॉल पर लगाए गए हैं। 30 स्टॉलों वाला यह प्रदर्शन भव्य रूप आज लोगों के सामने उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई उपाध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा और पेशे से व्यवसायी देवेंद्र पांडे के हाथों किया गया। महिलाओं के लिए खास करके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से शादी की जोड़ों के लिए ड्रेसेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज और कई ऐसी चीजों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि अपने भौतिक जीवन में इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24 न्यूज। ये एग्जीबिशन हमें एक्चुअली लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लाना था कि स्पिरिचुअलिटी भी होती है। जो मैंने स्टॉल लगाया है, लोगों का सिर्फ ये मान्यता है कि इंसान को अगर कोई तकलीफ होती है तो सिर्फ डॉक्टर के पास भागना, डॉक्टर के पास ही सिर्फ भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अलग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए काम कर सकती हैं। जैसे हमारा स्टोन्स हुए, हमारी जमीन हमारी खुद की बॉडी के लिए कितना काम करती है, अलग से चीजें हुए, एंजल्स हुए, स्टोन्स हुए, क्रिस्टल्स हुए, या और भी कोई चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए या हमारे डिजीज या कोई भी तकलीफ के लिए, उन सब के लिए काम आता है। गांव एग्जीबिशन सेंटर में आज यानी कि दिनांक 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 3 दिनों तक स्पिरिचुअल के ऊपर यानी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में मैं चाहूंगा कि कई तमाम प्रकार के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पर मंत्रों से लेके सिद्धियों से लेके कई प्रकार के जो जड़ी बूटी हो या किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक चीज हो, आध्यात्मिक शिविर हो जिससे मनन, शांति, चिंतन सारी चीजें व्यथा यहाँ पे हो सके। कई प्रकार के जो गाइडलाइंस है मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आज बतौर इसका उद्घाटन किया जा चुका है। मेरे साथ में इस वक्त उद्घाटनकर्ता के तौर पर जो यहाँ पे आयोजक है वो मेरे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इस प्रकार का जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, कई प्रकार के प्रदर्शनी हम देख चुके हैं, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़े हो, चाहे कई प्रकार के स्टील मैन्युफैक्चरिंग से लेके जुड़े हुए, लेकिन आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उसको यहाँ टटोला गया है। आइए जानते हैं सर, सर बेहतर उद्घाटन करता आपने यहाँ पे इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया है, क्या कुल कारण सर, क्योंकि कई प्रकार के एग्जीबिशन यहाँ पे होते हैं चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़े हों, स्टील फर्नीचर से जुड़े हुए हों, आपने आध्यात्मिक क्षेत्र को चुना है। असल में हमारा जो हिंदुस्तान है ये ज़्यादातर अब विदेशी तर्ज पे चलने लगा है, तो यहाँ के नवयुवकों को और यहाँ की जनता को जो हमारा भारत देश जिससे जाना जाता है, अध्यात्म से जाना जाता है, संस्कृति से जाना जाता है, तो उस अध्यात्म को, संस्कृति को फिर से युवकों में उसके लिए जागृत करने के लिए ये ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई है कि वो अध्यात्म को जाने, रत्न को जाने, ज्योतिष को जाने, अपने आप को समझे, इसलिए ये ज्योतिष के हिसाब से आध्यात्म का लगाया हुआ है। जी, मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है जो यहाँ पर बतौर इस कार्यक्रम के उद्घाटन में यहाँ पर आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी जो मन चिंतन है इस विषय पर, आध्यात्मिक जो विषय है इसके ऊपर उनका क्या कहना है। सर आपसे जानना चाहेंगे, एक स्पिरिचुअल कार्यक्रम है समझा जाए तो पूरा आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, कैसा फीलिंग है? फीलिंग तो काफी अच्छी है। अध्यात्म के बारे में जो इन्होंने इतना लगाया हुआ है, चाहे बिल्डिंग ले लीजिए या कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ पे वास्तु, फेंगशुई, ये सब चीजें काफी लगती है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि काफी कुछ जो स्टोन्स है वास्तु के हिसाब से है और अध्यात्म, और जितने भी नवग्रह है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टोन से रिलेटेड है, तो वो जो स्टोन्स है वो आज यहाँ पे लगाए, क्योंकि नवग्रह का जो डायरेक्ट रिकॉपरेशन होता है वो स्टोन्स के द्वारा, तो काफी कुछ यहाँ पे देखा मैंने और मैंने खुद उन लोगों से पूछा, तो काफी अच्छे जानकार लोग है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान जिस चीज से जाना जाता है, किसान प्रधान देश है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ देश है, ऐसे जो आयोजक है जिनकी बात हो रही है, अरुण मिश्रा, उनसे बात करते हैं कि कैसी क्या प्लानिंग थी रही इस शुरुआत करने में, और आज से लगभग कितने स्टॉल्स है जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं? अभी फिलहाल हमारे पास 78 स्टॉल्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपका जो पहला प्रश्न है, जो आपने पूछा कि हमने अध्यात्म को ही क्यों चुना, आज जो हमारा जो भारतवर्ष का जो युवा है ये वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान लोगों को पद में जाने के लिए बहुत फुर्सत है और बहुत पैसा है, लेकिन अगर हम अपने अध्यात्म के बारे में बात करें तो बोलते हैं फिजूल समय कौन वेस्ट करेगा, बात वैसी आ जाती है। दूसरा चीज़ ये था कि ये करने से जो हमारे युवा हैं जो वेस्टर्न कल्चर की वजह से आजकल उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, गलत चैनल्स में जा रहा है, जो हमारे देश का जो एनर्जी है जो युवा वर्ग से आता है
वो पूरा गलत जगह चैनलाइज हो रहा है। उसको केंद्रित कर एक जगह सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमको अध्यात्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। एग्जीबिशन में बतौर जितने भी स्टॉल्स लगे वहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। हमने यहाँ पर पहला तो जैसे अलग अलग स्पिरिचुअल्स है, उसमें चाहे कुंडली हो, ज्योतिष हो, टैरट कार्ड हो, फेंग शुई हो, और अध्यात्म के हिसाब से डेकोरेशन जैसे अलग अलग यंत्र होते हैं वो सारे मैनेज करवाए हैं। गोरेगांव में एग्जीबिशन सेंटर में आज 3 दिनों का यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कई लोग आने की आशंका जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सभी के साथ अरुण गुप्ता, समय 24, मुंबई।